दोस्तों, 12 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से निकला पानी का एक जहाज समुन्दर में डूब गया था। उस जहाज का नाम टाइटैनिक था। उस हादसे में 1517 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह जहाज जिस दिन डूबा उस दिन 14 अप्रैल थी, अर्थात साउथहैम्पटन से रवाना होने के सिर्फ 4 दिन बाद यह जहाज डूब गया। मरने वालों में बड़ी तादाद में बच्चे और महिलाएं थीं। दोस्तों, इस दुखद घटना पर हॉलीवुड में 2 बार फिल्म बनी। दोनों ही फिल्म का नाम टाइटैनिक रखा गया। पहली बार सन 1953 में फिल्म बनी थी। यह फिल्म 16 अप्रैल 1953 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म 98 मिनट की थी। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर, इसके अलावा ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर अकादमी अवार्ड और बेस्ट डायरेक्टर के लिए ऑस्कर मिला था। इस विषय में दूसरी बार सन 1997 में फिल्म बनी थी। यह फिल्म 1 नवंबर 1997 को टोक्यो में पहली बार रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन द टर्मिनेटर के निर्देशक जेम्स फ्रांसिस कैमरून ने किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिका लियोनार्डो विल्हेम डिकैप्रियो और कैट एलिजाबेथ विंसलेट ने निभाई थी। इस फिल्म में वास्तविकता के साथ साथ काल्पनिक प्रेम कथा का भी निरूपण किया गया है। इस फिल्म का 14 बार ऑस्कर अकादमी अवार्ड के लिए नामांकन हुआ था और उसमें से उसने 11 ऑस्कर अकादमी अवार्ड जीते भी थे। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ छायांकन, सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ध्वनि, सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ गीत इत्यादि के लिए ऑस्कर अकादमी अवार्ड मिला था। तो ऐसी ही हॉलीवुड न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप देख पाएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।